वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आप सबकी श्वेता, आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, जो भी टेंशन थी वो टेंशन खत्म हो गई। तो आज मैं सुबह सुबह उठी हूँ तो मुझे कुछ समझ नहीं आया। मैं अभी ब्लॉग भी स्टार्ट करती हूँ, आगे क्या होगा क्या नहीं मुझे नहीं पता। हाँ, बट ये ब्लॉग इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज़ लास्ट तक देखना, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ अपना स्किन केयर रूटीन। तो मैं भी करूँगी, मेरी रूममेट भी करेगी, और स्किन केयर रूटीन तो सबको देखना पसंद है। तो मैं अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स के साथ आज मैं अपना स्किन केयर करूंगी, तो ब्लॉग में अंत तक बने रहना। और ये लड़की सुबह सुबह उठ गई अपने मैगी बनाने की तैयारी में। कल मेरा फास्ट था एक्चुअली, तो कल हमारा फास्ट था, तो पहले पूजा करते हैं फिर खाना खाते हैं। हाँ, तो ये लगी पड़ी है, जल्दी से मैगी बन जाए और जल्दी से जाके पूजा कर ले, उसके बाद हम फटाफट मैगी खा ले। बाय द वे, मैगी ही एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी बनाती है, बाकी ये खाना बहुत गंदा बनाती है। पास्ता बना ले, तो कभी खाया? पास्ता मैंने खाया नहीं है, तो नो कमेंट्स। मैगी अच्छा बनाती है। फाइनली ये लड़की मैगी बना के ले आई और मैं खाना बनाती हूँ। नाइस, ऑसम। तेरे को 10 रुपए, एक मैगी के पैसे तेरा। ठीक, डन। तो खुद की बनाई हुई मैगी कैसी लग रही है आपको? हमेशा अच्छी लग रही है। ओ भाई, कॉन्फिडेंट। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है, क्या करें हम इस गर्मी का। मैगी खाने से गर्मी नहीं जा रही है गाइस, क्या किया जाए। ये देखो मेरे पिंपल। कुछ लोग सुबह ही काम करना, अभी लॉग इन ही करा था 1 घंटे पहले और फिर से सो गए। दीदी दीदी क्या है, काम करना है अभी हम लोगों को, स्किन केयर रूटीन करना है, तुम सो रही हो। सो मैं उठ रही हूँ, ये देखिए। तो गाइस मैं अच्छा खासा सो रही थी, तो इसने ये ऐड कर रही है VLCC का। VLCC वाले इसको स्पॉन्सर करने वाले हैं। तो मैं सो रही थी, इसने बोला दीदी अपना स्किन केयर रूटीन करना है, याद दिला दिया। तो सबसे पहले मैं करूँगी ब्लीच, तो ये प्री ब्लीच है जिससे हमें पूरा मसाज करना होता है, तो हम वही कर रहे हैं। उसके बाद हम ब्लीच अप्लाई करेंगे। बट यार समटाइम्स क्या ना, स्किन केयर करना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो क्योंकि स्किन को भी तो पैम्पर की ज़रूरत होती है। अच्छा, ओके, प्री ब्लीच कर लिया है, मसाज कर लिया अच्छे से, और मुझे ब्लीच से ज़्यादा ये मसाज करना अच्छा लगता है, क्योंकि ग्लो अच्छा आ जाता है। तो अब हम ब्लीच करने जाएंगे। दे दे मुझे मेरे दिल के, दिल के, दिल के, दिल के। तो ऐसा कहते हैं, आज तक मुझे मिक्सअप करने नहीं आया। मिक्सअप खोल इसे, मेरा हाथ चल रहा है। निंजा टेक्निक, निंजा टेक्निक। अब मैं इसे कैसे खोलूं? तो ये हो गया हमारा ब्लीच तैयार। ऐसे मैं रेगुलर बेसिस पे ब्लीच नहीं करती हूँ, आज मैं काफ़ी टाइम बात कर रही हूँ। लास्ट टाइम कब किया था? लास्ट टाइम मैंने भैया की शादी में ही किया था, और मेरी भैया की शादी को होगा 1 साल। पूछ ना हो, मैं बन चुकी हूँ भूत। क्या होते हैं, तड़पती आत्मा, भटकती आत्मा, जो कि मैं हूँ। और इसे मैं 15 मिनट तक रखूँगी। तो गाइस बहुत लोग क्या करते हैं ना, इतना दूर तक ब्लीच लगा लेते हैं, ये वाले पार्ट को लगाते ही नहीं है। तो जैसे कि ओ मैं देखने वाली थी कि इसने लगाया कि नहीं, एक और भूत। तो मैं एक और भूत आ गई है, तो ये वाले पार्ट को ही प्रॉपर लगाना चाहिए, और मैं आपको आज रिजल्ट दिखाऊंगी कि मैं आज कितनी खूबसूरत हो जाऊँगी। ओह माय गॉड, दोनों भूत को देख के आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताना। जैसे मैं अच्छी लग रही हूँ, बाल झड़ रहे हैं क्या? बुड्ढी हो रही है बुड्ढी। 15 मिनट कंप्लीटेड, इट्स टाइम टू रिमूव। वाव, अभी मैं धो के आती हूँ, फिर मिलते हो आपसे। लुक एट द ग्लो गाइस, कितना अच्छा लग रहा है चेहरा, मतलब मुझे भी बहुत फ्रेश लग रहा है। तो अब क्या करूँगी, ऑब्वियसली अब जा रही हूँ फ्रेशन अप होने, फ्रेशन अप होने का। वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो मैं सो गई थी और सोने के बाद अभी उठी हूँ, क्योंकि नहाने के बाद थोड़ा सा काम किया, मीटिंग थी मेरी। मैं मीटिंग अटेंड की, झूठ नहीं बोल रही हूँ, सच बोल रही हूँ, इसकी आदत हो गई हर बात में झूठ बोल रही बोलने की। उसके बाद थोड़ी सी हमें नींद आ गई थी, ये अपनी मूवी कंप्लीट कर रही थी,
कौन सी मूवी कंप्लीट कर रही थी? हाँ, सावी मूवी कंप्लीट कर रही थी। तो हमारी मूवी कंप्लीट हो गई, अब हम जा रहे हैं कहाँ? सब्जी लेने। घर में कोई सब्जी नहीं है, शर्म आ रही है बोलते, लेकिन हम इतने आलसी हैं, ऑनलाइन मंगा मंगा के थक गए हैं, कुछ वेजिटेबल्स ख़राब आ जाते हैं, कुछ ऐसे आ जाते हैं वैसे आ, तो हम जा रहे हैं आज मंडी सब्जी लेने के लिए, मिलते हैं मंडी में। और गाइस ये है मेरा आउटफिट जो मैं सब्जी लेके जा रही हूँ पहन के, और ये है मेरा आउटफिट। लोग कपड़े नहीं चेंज कर सकते हैं, एक्चुअली क्या है लोग आलसी होते हैं, और ये है आलसी, तो जो आलसी लोग होते हैं वो कपड़े चेंज नहीं करते, जैसे कि ये भाई क्या रिकॉर्डिंग हुई है एयर जगह के, और ये जाएगा व्लॉग में। और बाहर आते ही हमें इतनी तेज की गर्मी लगी, इतनी तेज की गर्मी लगी, और ये मैडम तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। गर्मी नहीं है, बहुत गर्मी है गाइस। आप कहाँ से ये वीडियो देख रहे हो प्लीज़ कमेंट करना कि वहाँ कितनी गर्मी है, बट दिल्ली में तो बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा, मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मर जाएंगे, और शायद आज हमारा लास्ट ब्लॉग हो, क्योंकि कल जिंदा रहे या ना रहे क्या पता, इतनी गर्मी में कौन जीता है। हर ब्लॉग में बोलते हैं, नहीं बोला है उसे पहले वाले में बोला था, चेक करना हमने नहीं बोला था, पता नहीं नहीं, क्योंकि अब गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो हम अब की मरेंगे गाइस, हम मरने वाले हैं क्योंकि गर्मी बहुत है, तो ये हमारा लास्ट ब्लॉग है, इस ब्लॉग पर ढेर सारा प्यार दे दो हमें। हम लोग आ गए हैं सब्जी मंडी, ये महिला सब्जी खरीदेगी, दो किलो ले लो, हर ऑब्सेशन विद भुट्टा। हेलो गाइस, भुट्टा खा लो, अजब भुट्टा, बारिश भुट्टा, हाँ चेहरा गंदा, एक गंदा ऑर्डर खा लेते हैं, मतलब फिर भी खाना नहीं। सब्जी लेने आने के बाद हमें अब इतनी ज़्यादा गर्मी लगी, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ। फिर हमने फ्रिज में सब्जी को अच्छे से क्या किया, अरेंज किया, और अब मैं बना रही हूँ चाप की सब्जी, और गाइस बहुत टेस्टी सब्जी बनने वाली, इसके मसाले देखो कितना अच्छा औसम सा तैयार हुआ है, वाओ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ अपनी फेवरेट चाप की सब्जी, तो इसको मैंने फ्राई करके और मैरिनेट कर लिया है, और बाकी मसाले तैयार कर रही हूँ, और इसके साथ मैं खाऊंगी गर्मा गर्म पराठी। आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो क्योंकि मुझे आज मार्केट भी जाना पड़ा था, काम भी आज बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद रात का डिनर भी पूरा मुझे तैयार करना पड़ा, तो इसलिए आज मैं अपना ब्लॉग यही एंड करती हूँ, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, आप लोग अपना ख्याल रखो, और जो इस चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करो मुझे।